हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हूँ विशाखा। तो गाइस, आप सभी लोगों को तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी तीज। और ये तीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। और गाइस, अभी 8 बजने वाले हैं और अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ बिल्कुल भी। बस मैंने ये सूट पहना है, यू कैन सी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था गाइस, यही थी जो उसके लिए। बट मैंने क्या किया था ना, 3-4 सूट मंगा दिए थे एक साथ, रेड कलर के, बिल्कुल प्योर रेड। और मैंने इतने सारे हो गए थे तो मैंने सिर्फ 1-2 तब यूज़ कर लिए थे करवा चौथ और उसमें तीज में, लेकिन उसके बाद मैंने पहने ही नहीं। तो आज मुझे लगा कि मुझे ये पहनना चाहिए, जबकि अभी मुझे साड़ी भी पहननी है। लेकिन क्योंकि दिन भर से ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और मैं अभी, मुझे इतना ज़्यादा खाली लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे ना तीज जैसा नहीं लगता। मतलब जब हम लोग घर पे थे तो वहाँ पे ऐसा होता था कि यार, मेरी मम्मी लोग ना, मतलब मम्मी, चाची, सब के सब हमारे घर पे या ऐसे करके वहाँ पे सब आते थे, और सारी औरतें एक जगह पे इकट्ठा होती थी और वहाँ पे डांस ये सब होता था। और यहाँ पे आके मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट में जिनके साथ मैं तीज मनाऊँ। कोई है ही नहीं नेपाली इधर, और जिनकी तीज होती है शायद वो पहले ही हो जाती है, क्योंकि तीज दो बार आती है ना, मतलब एक अलग उसमें और एक ये हरिताली का तीज होता है इसको। हाँ, तो अभी बस मैं पूजा करूँगी थोड़ी देर में, और मैंने कुछ नहीं खाया है, बस मैंने अभी चाय पी है थोड़ी देर पहले। और सुबह तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया भी नहीं और मैं तैयार हुई भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया। अदरवाइज अभी तक मैं शॉर्ट और टी शर्ट में घूम रही थी। और अभी जस्ट ये आप देख सकते हैं, मैंने चूड़ी पहनी और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, क्योंकि कल रात को भी मैंने, मतलब रात के शायद 2-3 बजे तक मैंने अपना वीडियो एडिटिंग किया, जो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देखना, जिसमें उसमें भी कुछ हो गया था कि पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बहुत लंबी वीडियो थी, लेकिन उसका वॉइस ओवर करने के बाद ना, मतलब उस पर कॉपीराइट लग गया था, क्योंकि मैंने एक छोटा सा म्यूज़िक उसमें ऐड कर दिया था। कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो, बट उससे इतना बड़ा इशू हो गया। तो 2-3 रात से मैं उसी पर लगी हुई हूँ, बट फाइनली आज वो हो गया था, तो मैंने उसे अपलोड भी कर दिया। तो मैंने उसके चक्कर से ना रात भर सोई नहीं, और सुबह सुबह मुझे फ़ीवर हो गया था, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं पास रख भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मुझे ना कभी भी, टचवुड, कभी भी मुझे फ़ीवर नहीं होता, मुझे बुखार होता ही नहीं, बहुत ही रेयर होगा कि साल में एक बार मुझे हो गया। कोई ऐसा भी नहीं था, थोड़ी देर के लिए बस मेरी बॉडी गर्म थी, फिर मैं नॉर्मल थी। एंड देन उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी दिन में, मतलब पूरा अच्छे से, तो 1-1.5 घंटा लगा के अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जिस भी जगह पे हो, ऐसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे रिचुअल्स करो। तो जो भी आप, जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको सिर्फ वही करना चाहिए। तो मुझे भी अभी, मुझे पूजा करनी है, एंड अभी जस्ट मैंने अपनी मम्मी से भी बात करी थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि 8 बजे से पूजा स्टार्ट है, तो मैं तुझे वीडियो कॉल कर दूँगी। बट मैंने बोला नहीं 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 प्लीज़ मुझे वीडियो कॉल मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक तरीके का ना इंटरप्शन होता है, कि वहाँ पे पूजा चल रही है, वहाँ पे मम्मी अपनी पूजा करेगी या मुझे दिखाएगी, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें भी बहुत बेकार लगती हैं सच में। अगर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है हम पूजा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर किसी का एक माहौल होता है, तो आपको बार बार वीडियो कॉल करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान को जो वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो पूजा करने के लिए बैठा हुआ है, तो आपका पूरा फोकस वहीं पर होना चाहिए। या तो कोई थर्ड पर्सन हो तो आप वीडियो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेम बंदा पूजा करेगा, और मतलब मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मेरे घर पे भी जब होता था, तो लगे हुए हैं मतलब वीडियो कॉल करने में, तो मुझे लगता है आप अपनी साइड का पूजा करो ना। अगर मैं बीच में इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रही हूँ किसी को, तो फिर उनकी पूजा भी डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जैसे मुझे सही लगता है, और थोड़ा थोड़ा मैं अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या क्या करना है। तो बस अब मैं वही करूँगी, क्योंकि तीज में हमेशा गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, देन शिव जी और पार्वती की पूजा होती है, उसके बाद पूरा, मतलब जितनी कथा होती है वो हम पढ़ते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं सब, मतलब सारे भगवानों को की पूजा कर लेती हूँ, और हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन मुझे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक मैं ऐसा करूँ। तो आज मेरा फास्ट भी है, और अभी इसके बाद मुझे रात को एक और बार पूजा करनी है, जो कि 12 बजे बाद होती है, एंड देन उसके बाद सुबह भी होती है ना, सुबह भी। और रात भर आपका जो दिया होता है, वो अभी तक मैंने वाला दिया जलाया नहीं, उसको मुझे जलाना है अभी, जो मिट्टी का दिया होता है उसको आपको रात भर देखना होता है, वो पूरा सुबह तक जलना चाहिए। तो बस अब मैं वही करूँगी, एंड बहुत लंबी मेरी वीडियो हो गई है, तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ बस पूजा करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं पूजा करने के बाद रेडी होऊंगी, क्योंकि उसके बाद भी मेरा कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं, मतलब टाइम पास भी करना है आपको रात भर, और कोई है नहीं अभी, है तो रजत भी, लेकिन
मुझे साड़ी पहननी है तो वो मैं तब पहनूंगी, अभी की पूजा के लिए जस्ट यू कैन सी द माय सूट कि काफ़ी अच्छा ही है, कुछ इतना गंदा भी नहीं लग रहा है, मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर। तो अभी मैं मेकअप वीडियो बनाऊँगी एंड देन उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के साथ बात करूँगी, मतलब पूजा करूँगी उसके बाद मैं मेकअप वीडियो बनाऊँगी फिर आप लोग के साथ में बात करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, बस इनफैक्ट मैंने अभी तक सिंदूर भी नहीं लगाया है क्योंकि जो लगाया था वो मिट गया, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा से हेड वॉश किया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो चलिए बाय बाय, दोबारा से मिलते हैं। मैंने पूजा कर ली थी और अभी रात के 12 बज गए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने अब जाके अपना मेकअप किया है और यू कैन सी कि मैंने कैसे अपना मेकअप किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने ये वीडियो अपलोड करी है आप जाके वहाँ पे चेकआउट करो कि मैंने ये लोग को कैसे क्रिएट किया है। एंड अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है गाइस, अब 12 बज गए हैं, अब मैं दोबारा से पूजा करूँगी, मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई थी, पहले मैंने सोचा था मेकअप करने के बाद पूजा करूँगी लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, पहले मैंने पूजा करी बहुत अच्छे से जिसके लिए मुझे 2 घंटे लग गए, उसके बाद तब जाके मैं आराम से बैठी हूँ, अभी तक मैंने साड़ी नहीं पहनी, अभी मैं सोचती हूँ कि साड़ी पहनूँ कि ना पहनूँ क्योंकि 1 बजने वाले हैं गाइस और मैं अभी साड़ी पहन के करूँगी भी क्या, लेकिन ठीक है क्योंकि मैंने मेकअप किया अच्छा खासा तो मुझे लगता है कि तीज में अपलोड करने के लिए मेरे पास एक पिक्चर होनी चाहिए अच्छी सी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना हाँ मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है एंड आप लोग भी उसको कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वाला जो क्लिप है वो हमारे लास्ट ईयर के तीज का है जो कि हमारा फर्स्ट तीज था और हमारे में एक रिचुअल होता है कि जब हम फास्ट तोड़ते हैं अपना, तो मतलब जब फास्ट हमारा खोलते हैं तो उस टाइम पे जो हम पानी पीते हैं वो हमारे हस्बैंड के पैर का जो जल होता है उससे पीते हैं, मतलब यह एक रिचुअल होता है हमारे में जो काफ़ी फ़नी भी है और काफ़ी अच्छा भी है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी मैंने उसमें नहीं लिया कि मैं पैर का पानी पी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने अपनी शादी में भी किया था और बहुत इंटरेस्टिंग था ये। तो ये लास्ट ईयर का क्लिप है जिसको मैंने कहीं पर भी अपलोड नहीं किया था और मुझे लगा कि मुझे इस टाइम पर करना चाहिए क्योंकि इस टाइम मैंने इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं था। हे गाइस, सुबह के 4:30 बज चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में मेकअप है क्योंकि मैंने बहुत लेट मेकअप किया था 1 बजे और तब जाके मैंने साड़ी पहनी थी, इतने बजे थे शायद 12 बजे से पहले मैंने अपना मेकअप किया था एंड देन फिर साड़ी पहनी थी, फिर एक दो फ़ोटो खींची क्योंकि मुझे लगा कि यार तीज है तो बनता है साड़ी में फ़ोटो खींचना, क्योंकि मैंने एक साड़ी मंगा भी रखी थी तो उसे, और मैंने सूट भी शाम को ही पहना था जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड अब 4:30 बज रहे हैं एंड अब मैं करूँगी, पहले मैं नहाऊँगी उसके बाद मैं करूँगी पूजा एंड उसके बाद रजत तो अभी सो गया है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है एंड मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने चाय पी थी अभी थोड़ी देर मतलब कि 1 घंटे पहले जो मुझे रजत ने ही बना के दी थी 3 बजे के आसपास, वो तब तक नहीं सोया था, अभी जस्ट वो सोया है और बस अभी मेरा दिया जल रहा है बहुत अच्छे से एंड बहुत पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और मुझे सच में पूरे फास्ट में ना भूख लगती ही नहीं कभी भी, अगर मैंने फास्ट लिया होगा, अभी कुछ दिन पहले भी मेरा जन्माष्टमी का फास्ट था जो मैंने अभी तक व्लॉग नहीं डाला है, ये सब एंड होने के बाद मैं तब डालूँगी उसका व्लॉग क्योंकि आज से यहाँ पे गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई है और आप लोग को पता होगा कि मुंबई में गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा अमेजिंग होती है एंड रात को भी 1 बजे और आई थिंक 1-2 बजे तक जो लोग मतलब मूर्ति लेके आते हैं भगवान को लेके आते हैं, जब वैसे तो आज से स्टार्ट है तो लोगों ने 12 बजे से स्टार्ट कर दिया था मतलब लेके आना और इतना ज़्यादा इधर जैसे रॉकेट्स फूटे, बहुत सारे बम फोड़ रहे थे लोग और गणपति पापा मोरिया, तो आज से ना गाइस ट्रस्ट मी 15 दिन इतने अमेजिंग जाने वाले हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वो देखा था और इस टाइम भी मैं वो देखूँगी और बहुत अमेजिंग, मतलब हमारी सोसाइटी में भी क्या होता है कि जैसे ये ONGC की सोसाइटी है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग पहले ही चंदा ले लेते हैं, मतलब कि अब कोई भी इवेंट होता है ना तो पूरे जितने भी मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उन सब से लेते हैं
जो ONGC की जो बिल्डिंग है यही वाली सोसाइटी से, और उसके बाद सबसे वो चंदा लेने के बाद देन फिर यहाँ पे इवेंट्स होते हैं और फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है क्योंकि बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है और बहुत लोग डांस परफॉर्मेंस भी देते हैं। वैसे मुझे और रजत को तो इंटरेस्ट है नहीं, हम लोग जाते नहीं, लेकिन चंदा तो देते हैं और खाना होता है तो 2 दिन कुछ कुछ होगा एंड देन फिर थर्ड आई थिंक खाना, मुझे नहीं पता कितनी तारीख को है तो हम जाएंगे उसमें। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर गणपति को लाते हैं और गणपति को लाने के बाद जैसे शायद कल लेके आएंगे वो, तो पूरे के पूरे जितने दिन तक आई थिंक 10 डेज या 7 डेज कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम भी था तो शायद 7 दिन या 10 दिन के अंदर उनको विसर्जित करने के लेके गए थे, बट हम उसमें नहीं जा पाए थे, मतलब सोसाइटी वाले में नहीं जा पाए थे तो हम यहीं पर ही। और क्या होता है ना, एक साथ ना बहुत सारी जगह से आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि सेम मतलब रोड पे भी। अब कल से क्या होगा ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंड एक ही रोड पे पांच पांच छः छः मतलब गणपति को ले जा रहे होते हैं, कंटिन्यूस लाइन चल रही होती है कि गणपति को लेके आ रहे हैं, कल से तो वही हो जाएगा, और ढोल ताशे के साथ उनको लेके आते हैं। बहुत ही अमेजिंग होता है गणेश फेस्टिवल, वो मैंने यहीं पर ही आके देखा, मैंने देहरादून में नहीं देखा था गणेश फेस्टिवल कभी भी। और पूरे रोड में ऐसे अब समझ में नहीं आता क्योंकि इस साइड भी बिल्डिंग्स है, इस साइड भी बिल्डिंग्स है, उस साइड भी बिल्डिंग्स है, तो हमें ना लास्ट टाइम ये नहीं पता चला कि हमारी बिल्डिंग से ही ले जा रहे हैं। हमें लगा कि ठीक है बाहर ही जा रहे होंगे, लेकिन हम जो लास्ट विसर्जन वाला जो दिन होता है उसमें हम लोग गए थे। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं वहाँ पर जाऊँ जो लाल बाग है यहाँ पे, मतलब जो सिद्धि विनायक टेम्पल है, लेकिन गाइज वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और अगर वैसे लोग वहाँ पे VIP एंट्री में भी जाते हैं, मैं उस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है आप जा सकते हो, जैसे भी आपको जाना है भगवान आपको बुला ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, VIP एंट्री में भी बहुत भीड़ होती है क्योंकि लास्ट टाइम रजत को भी पासेस मिले थे लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे, और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि हमें मतलब VIP पासेस हैं मुझे, मेरी साइड से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इधर, हो सकता है कि हम उसमें जाएं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि VIP पास होने के बाद भी वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत लोग होते हैं, लेकिन वहाँ का जो विसर्जन होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, हर जगह अमेजिंग होता है। तो लास्ट वाले में तो हम यहीं पर पास में गए थे जहाँ पे लोकल जो अंधेरे का होता है वहीं पर ही, एंड पता नहीं बट मुझे ज़रूर जाना है उधर सिद्ध विनायक टेम्पल इस टाइम पे। अब देखते कैसे पॉसिबल हो पाता है क्योंकि रजत के भी पैर में अभी चोट लगी हुई है, चोट मतलब कि जो रजत की सर्जरी हुई थी तो वो इतना चल नहीं सकता है अभी भी, हम मतलब जो मेरे मतलब जो उन्होंने बताया कि पासेज है तो, लेकिन वो इतने दिन देर तक वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं क्या पता इस बार नहीं तो अगली बार से ही, बट ठीक है बाकी गणपति बाप्पा मोरिया, और मेरा फास्ट अब कंप्लीट होने वाला है एंड बस अपने नहाती हूँ, मैंने बहुत सारी बातें कर ली और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, मतलब रात के 2 बजे तक तो सब के सब बिल्डिंग में भी, दो चार लोग जैसे मैंने बताया कि अब बिल्डिंग में जो लेके आते हैं गणपति जी को वो एक कॉमन होता है, और वो जिम में जिम वाले जो जगह है हमारी वहाँ पर रखते हैं, एंड उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी महाराष्ट्रियन फैमिली है, एंड महाराष्ट्रियन के अलावा भी जो लोग गणपति को लेके आते हैं और रखते हैं और फिर उनको विसर्जित करते हैं तो वो लोग भी हैं, और मतलब अलग अलग भी हैं लोग और एक कॉमन भी है, तो बस अब कल से बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मतलब अलग ही, और मुझे लगता है कि अब शायद मेरी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है वो सब जाने वाली है इतने दिन में, और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था क्योंकि दिन भर शाम का टाइम जो स्पेशली होता है ना उसमें कंटिन्यूस वो ताशा बजता है, और जो मुंबई का जो महाराष्ट्रियन जो ताशा होता है वो ही अपने आप में इतना एनर्जेटिक होता है कि मन करता है कि आप डांस करो। लास्ट टाइम भी ऐसे होता है कि मैं बहुत सारे मतलब जो लोग लेके जाते हैं उनमें भी मैं गई थी, मतलब से अपने घर से पास डांस करती करती फिर वापस आ गई थी घर, लेकिन उनके साथ तो नहीं गई थी, और लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी में भी डांस कर सकते हो, और एक आंटी मिली थी मुझे लास्ट टाइम, पता नहीं इस साल वो मिलेंगे कि नहीं, तो उन्होंने बताया था कि वो जस्ट पास में रहती हैं और वो अकेली हैं और लेकिन वो हमेशा जाती हैं, तो देखते हैं, बट वो उनकी सोसाइटी का था, सोसाइटी सोसाइटी भी रखती है और एक सोसाइटी में कम से कम 200-300 फैमिलीज रहती हैं, तो वो 300 फैमिलीज में से लोग जो हैं वो अपना सिंगल सिंगल भी करते हैं, अदरवाइज वो कॉमन भी करते हैं, तो बस मुझे लगता है फास्ट से ज़्यादा मैंने गणपति जी की बातें कर ली,
बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पर रह के ये सब देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब मैंने जब से देखा है मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बार आपको बॉम्बे आना चाहिए और एक बार आपको गणपति विसर्जन देखना ही चाहिए, विसर्जन चतुर्थी सब, मतलब 15 दिन वो भी यहाँ रह के। तो क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे 15 दिन कौन ही कहाँ से कैसे रहेंगे, लेकिन ज़रूर आना गाइज, मतलब अमेजिंग। आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग देखा आपने बॉम्बे में, मतलब पूरी ऐसा भी कुछ होता है, होता तो देहरादून में भी है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं देखा कि गली पे कंटिन्यूस चलता चल, मतलब हम एक देखेंगे कोई कि हाँ चलो कॉमन कॉमन उसमें जा रहा है कोई, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस मतलब एक दिन में 10-15 भी आप लाइंस देख सकते हो हर जगह। और सारी गणेश जी की जो मूर्तियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल से मेरा एक काम है कि मैंने ज़रूर व्लॉग्स बनाने हैं इस बार, लास्ट टाइम तो मैंने नहीं बनाया था। वैसे वहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता पता है वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना सभी इंजॉय कर रहे थे, तो अब बड़ा अजीब लगता है कि आप भगवान के ओकेजन को इंजॉय नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियोज़ बना रहे हो। मैं वीडियोज़ तब बनाती हूँ जब मैं नाच के थक जाती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है हाँ वैसे भी मेरे आईफोन में कभी स्टोरेज होता नहीं है तो बहुत सारी मिस भी हो जाती है, और ये कैमरा लेके मैं जा नहीं सकती क्योंकि बहुत हैवी है। तो देखते हैं अब क्या होता है, बट फिर भी बस अब मैं पूजा करती हूँ, एंड अगर मैंने उसके बाद दोबारा से मतलब सॉरी मैं नहा के आती फिर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे से बातें करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है एंड यू कैन सी कि मैंने अपने फेस का सारा मेकअप हटा दिया था, मैं नहा गई थी अच्छे से और अच्छे से रिमूव हो भी किया, एंड अभी अभी मैंने पूजा करी एंड अब 6 बज गए हैं, मुझे पूजा करने में पूरा 1 घंटा लगता है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना पूजा का स्थल बनाया था। और गाइस अभी इस टाइम में ना बहुत सारे घरों में पूजा हो रही है, पहली घंटी मेरी बजी थी क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, मतलब नहीं था मतलब कि मुझे पूजा की आवाज़ नहीं है, लेकिन पहली घंटी मुझे मेरी ही बजी एंड कंटिन्यूस, क्योंकि मुझे सभी भगवानों की आरती करनी होती है तो टाइम लग जाता है, तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता ही है पूजा करने में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे ही अपना ये भगवान को अलग से मतलब साथ में नीचे रख दिया था, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत ज़्यादा छोटा है एंड पूजा करने के लिए मुझे लगता है अगर आप फास्ट करते हैं तो अलग से ही एक स्पेस बना लीजिए, और मैंने वही किया कि मेरे को जो जो मंगाना था वो तो मैंने अपनी मम्मी से पूछ ही लिया था, और हम 100% तो नहीं कर पाते जो जो होता है, क्योंकि घर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर पे तो हमेशा पंडित जी आते हैं, बट यहाँ पे तो पंडित जी नहीं आते तो मैं इनको अकेले करना पड़ता है विदाउट एनी गाइडेंस, जो मुझे यहाँ पे अच्छा ऐसे नहीं ऐसे जलाओ ये नहीं जलाओ, तो अपने तरीके से हर कोई इंसान 100% करता है भगवान के लिए, तो आप लोगों ने भी जैसे किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, बट बहुत सारी जगह में बहुत चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जैसे मेरे घर पे तो शिव पार्वती को मतलब रेत से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और वो तो परात में रखते हैं, परात इधर तो ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाए। तो जैसा मेरा था मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अपना कैसे बनाया था, वो बस मैंने जो जो मेन चीज़ होती है पंचमेवा पंच मिठाई पंच में क्या बोलते हैं पंच फल, और क्या गणेश जी को जो चलता है पान और दूब तिल जौ और क्या क्या था सुपारी, और ये सब मैंने चढ़ा दिया था फूल, तो ये सब मैंने मंगा दिया था, तो मैंने वही सब कुछ तो मैं लेके ही आई थी 1 दिन पहले, बाकी कुछ मुझे मिला नहीं था क्योंकि यहाँ पे गणेश की चतुर्थी की वजह से बहुत भीड़ है और सामान खत्म है, एंड अगर हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो वो 1-2 घंटे लगा रहा है अब आने में, तो ये सब मैंने कर दिया था। आई होप कि जिन्होंने भी फास्ट लिया हो उन सब की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके घर में हर कोई हेल्दी रहे वेल्दी रहे, और जो जो भी आप चाहते हैं आप लोग वो करो। एंड अब मैं पीऊँगी चाय क्योंकि रजत ने ऑलरेडी बना दी थी 1 घंटे पहले की बनी हुई हो चाय, शायद वो ख़त्म हो गई मुझे अब नहीं बनानी है मुझे लगता है, तो मैं एक बार चाय पीऊँगी देन अब मैं चाय पीने के बाद फिर सोऊँगी। तो
तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में.